विधायक बृहस्पत सिंह के बयान को लेकर भी टीएस सिंहदेव ने बोला है कि जय वीरू एक जैसी ही बात करेंगे, दूसरे नेता जो बयान देते हैं उसे लेकर पार्टी को ध्यान देना होगा, पार्टी को निर्णय लेना होगा। जय वीरू की बात है तो एक जैसी ही बात करेंगे जय वीरू तो और अन्य लोगों के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो उनके अपने विवेक में रहता है, सबकी अपनी जैसे प्रवृत्ति रहती है वैसा वैसा। ये पार्टी प्रोटोकॉल के खिलाफ जा रहे हैं क्या बृहस्पत सिंह? तो पार्टी को देखना पड़ेगा। जय वीरू की बात है तो एक जैसी ही बात करेंगे जय वीरू तो और अन्य लोगों के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो उनके अपने विवेक में रहता है, सबकी अपनी जैसे प्रवृत्ति रहती है वैसा वैसा। ये पार्टी प्रोटोकॉल के खिलाफ जा रहे हैं क्या बृहस्पत सिंह? हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है खुशबू। बृहस्पत सिंह के बयान पर भी टीएस सिंहदेव ने कहा है कि पार्टी को कोई निर्णय लेना होगा, पार्टी को इस पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, जिस तरह से बृहस्पत सिंह के लगातार बयान दिखाई दे रहे हैं, टीएस सिंहदेव के खिलाफ लगातार उनके बयान जो है सामने आते रहे, उस पर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह के बयान लोगों के सामने आ रहे हैं उनके विवेक में जो है वो विवेकपूर्ण बात नहीं कर रहे, इस पर जो है पार्टी को जो है निर्णय लेने की आवश्यकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री और जो टीएस सिंहदेव के बयान जो है एक समान होते हैं, उसी को लेकर उन्होंने कहा कि जय वीरू तो एक जैसे ही बोलेंगे, लेकिन लगातार जो बयानबाजी सामने आती रही है विधायकों की, उस पर पार्टी को ध्यान देने की आवश्यकता है और उस पर जो है कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसी पर लगातार जो है टीएस सिंहदेव पहले भी कह चुके हैं कि जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती है उस पर विराम लगाया जाए और पार्टी के जो अंदरूनी मामले हैं उस पर जो है पार्टी को ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। खुशबू, इन बयानबाजियों से कांग्रेस में आपसी खींचतान भी समझ में आती है? पार्टी प्रोटोकॉल के खिलाफ जा रहे हैं क्या बृहस्पति? लगता है खुशबू से हमारा संपर्क टूट गया है। हालांकि तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे रायपुर से, जहां टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। बृहस्पत सिंह के बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि पार्टी को ध्यान देना होगा, कोई निर्णय पार्टी को करना चाहिए।